BPCL रिटेल लोकेशन की तरफ से हमारे टैंक लॉरी चालक भाइयों का तहे दिल से स्वागत है। घातक और अति ज्वलनशील ईंधन के परिवहन की जिम्मेदारी हम सब पर होती है, लेकिन उसे फील्ड पर पूरा करते हैं आप लोग। सड़क पर आपका ड्राइविंग कौशल और व्यवहार अधिक अच्छा हो, इस लक्ष्य के साथ हमारा ये प्रयास आपके सामने अब प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे दिखाई गई फिल्म हमारा एक प्रामाणिक प्रयास है, क्योंकि आप चालक भाई हमारे रिटेल व्यवसाय के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आशा है कि हमारा ये प्रयास आप सभी चालक भाइयों तक पहुंचेगा और आप अपनी और BPCL कंपनी के सुरक्षा स्तर की बढ़ोतरी होने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। आप सब सुरक्षित रहें और सुरक्षा को अपनाएं, यही हमारा एक ईमानदार और सच्चा प्रयत्न है, क्योंकि हमारा सुरक्षा का नारा है सेफ्टी फर्स्ट सेफ्टी मस्ट। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत हर घातक माल सामान की यातायात करने वाले चालक के पास भारी वाहन चलाने का अनुज्ञा पत्र अर्थात ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। उसके साथ एक्सप्लोजिव लाइसेंस और घातक सामान सामग्री परिवहन प्रशिक्षण प्राप्त RTO प्रमाणित लाइसेंस जरूरी है। कैलिब्रेशन चार्ट और ट्रैम कार्ड भी पास रखना अनिवार्य है। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है कि चालक को इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल अर्थात EIP के बारे में जानकारी हो। ये हर टैंक लॉरी पर अच्छी तरह पढ़ा जा सके और दिखाई दे, जिसका आकार 600 mm x 800 mm नियम के तहत ट्रक पर लगा होना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि उस पर गंदगी ना हो और हमेशा उसको साफ रखें। ये ट्रक के 3 स्थानों पर लगाना नियमों के तहत अनिवार्य है। इस इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल पर आप जो माल ले जा रहे हैं और आपातकाल के समय सुरक्षा संबंधी उपाय योजनाओं की जानकारी दर्शाई जाती है। माल सामग्री जो टैंक में भरी जाती है उसके UN क्लास के चिन्ह नाम के साथ दर्शाए जाते हैं। इस पर आपातकाल में किसको संपर्क करना है इसकी भी जानकारी लिखी जाती है। दिन की शुरुआत में कार्यस्थल पर पहुंचने से पहले अपने ट्रक का चारों तरफ से बाहरी निरीक्षण करें। टायर प्रेशर और स्थिति को जांचना बहुत जरूरी होता है। ये करते समय लोग स्टेपनी अर्थात एक्स्ट्रा टायर की भी जांच करें। गाड़ी में चढ़कर लेग ब्रेक, हैंड ब्रेक और क्लच की भी जांच करें। इंडिकेटर लाइट्स, हेडलाइट्स और पार्किंग लाइट्स के कार्यक्षमता की जांच करें। विंडशील्ड पर लगे वाइपर्स कार्यशील हैं कि नहीं इसकी तसल्ली करें, क्योंकि यात्रा के दौरान कांच पर अर्थात विंडशील्ड पर लगी धूल मिट्टी सफा करने में हमें मदद होती है। ट्रक के डैशबोर्ड पर लगे सभी यंत्र और उपकरण कार्यरत है ये भी जांचें। ABS इंडिकेटर अर्थात एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का लैंप और बैटरी कट ऑफ स्विच कार्यशील है इस बात की तसल्ली करें। VTS व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम कार्यशील है इस बात की तसल्ली करना जरूरी होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपके ट्रक की लोकेशन क्या है। 2 DCP प्रकार के अग्निशमन यंत्र जिसका रखरखाव नियमित रूप से किया जाता है मौजूद है इस बात की तसल्ली करें। पानी और तेल की मात्रा उचित है ये भी जांच लें। प्रथमोपचार पेटी मौजूद है ये देखें। अपने कैबिन में जरूरी दस्तावेज उचित जगह पर संभाल कर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर वह तुरंत मिले। PDP विभाग यानी प्लांट डिलीवरी प्रोग्राम सेक्शन से ऑर्डर दस्तावेज प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात आपको ऑर्डर की कॉपी दी जाएगी। कॉपी प्राप्त करने के बाद आप ट्रक लाने की तैयारी करें। आपके ट्रक का क्रमांक डिस्प्ले स्क्रीन पर दर्शाया जाएगा, जिसके बाद आप अपने वाहन को पार्किंग क्षेत्र से एंट्री गेट पर ले आएं।
वहां आपकी और आपके वाहन की अच्छी तरह सुरक्षा जांच की जाएगी। मुख्य द्वार पर सुरक्षा उपकरणों की सुरक्षा कर्मी द्वारा जांच की जाएगी, जिससे सुरक्षा निश्चित होगी। स्पार्क अरेस्टर सिर्फ CCOE प्रमाणित होना जरूरी है। ट्रक के केबिन में ज्वलनशील पदार्थ जैसे स्टव, अगरबत्ती, माचिस, कैमरा, मोबाइल, बोतलें या डिब्बे ना हों, इस बात का ध्यान रखें। अगर ऐसा कुछ भी मिले तो उन्हें फौरन बाहर निकालें। बैटरी कट ऑफ स्विच कार्यशील है, ये भी जांचा जाता है। ट्रक में इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स के निर्देश देने वाला ट्रैम कार्ड जरूर होना चाहिए। लोडिंग इनवॉइस की जांच और पुष्टि की जाती है। दो अग्निशमन यंत्र मौजूद हैं, जिसमें से एक 10 किलो DCP प्रकार का और दूसरा एक 1 किलो का है, यह जांचा जाता है। इसके साथ एक इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूअस होज होना जरूरी है, फीमेल क्लैंप लॉक फिट के साथ। ड्राइवर और क्लीनर ने सही वर्दी, वैध फोटो पास, सुरक्षा जूते, चिन स्ट्रैप वाले सुरक्षा हेलमेट और सुरक्षा चश्मा पहने हैं, ये जांचा जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि चालक और क्लीनर ने पहने हुए पहचान पत्र अर्थात ID कार्ड्स वैध हों और दिख रहे हों। 10 किलो के अग्निशमन यंत्र को निकालकर पूर्व नियोजित जगह पर रखें और ये लाइसेंस एरिया के बाहर रखें, वो अंदर ना ले जाएं। दर्शाए गए गति मर्यादा का पालन करें। सुरक्षा जांच पूरी होने पर मैग्नेटिक कार्ड रीडर पर लगा कर ही लाइसेंस एरिया की तरफ बढ़ें। आपको आपका ट्रक इंस्पेक्शन एरिया में लाकर खड़ा करना है, जहां पर अधिकारी आकर ट्रक में लगे दोनों ताले खोल देगा। दोनों ताले ड्राइवर अपने पास रखेगा और वापसी के समय अधिकारी को फिर वापस देगा। मर्यादित गति से वाहन चलाकर आपको अपना वाहन टैंक लॉरी फिलिंग गैंट्री के पास लाकर खड़ा करना है। इस बात का ध्यान रखें कि अधिक गति से वाहन ना चलाएं। वाहन उचित स्थान पर खड़ा करने के लिए क्लीनर की मदद लें, ताकि दर्शाए गए चिन्ह से पीछे वाहन खड़ा किया जा सके, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। वहां पर दर्शाए गए मार्ग पर आपको अपना वाहन लाकर खड़ा करना है। फिलिंग बे में ट्रक खड़ा करने के बाद इंजन बंद कर लें। हैंड ब्रेक लगाकर बैटरी स्विच बंद कर लें। अगले और पिछले पहियों के बीच लकड़ी के ब्लॉक या व्हील चोक लगा लें, ताकि वाहन के आकस्मिक चलन को रोका जा सके। ट्रक और TLF गैंट्री के बीच हैवी ड्यूटी क्लिप की सहायता से अर्थिंग कनेक्शन बना दें और कनेक्शन उचित तरह से कार्यरत है, इस बात की डिस्प्ले देखकर तसल्ली करें। ध्यान रखें कि अर्थिंग सतह पर ग्रीस या पेंट ना लगा हो। अगर आप दिन की शुरुआत के पहले वाहन हो तो फिलिंग कार्य शुरू करने से पहले गैंट्री इंचार्ज ने MBLR अर्थात MB लाल रेकमेंडेशंस के तहत TLF गैंट्री एरिया की सुरक्षा जांच निश्चित रूप से करना अनिवार्य है, और पहले वाहन में लोडिंग कार्य शुरू करने से पहले उत्पाद का सैंपल लेकर उसके घनत्व की जांच करें। ये जिम्मेदारी गैंट्री इंचार्ज की है कि वो हर 2 घंटे बाद उत्पाद की जांच करे। इस बात की तसल्ली भी करें कि उत्पाद का तापमान लिखित मर्यादा से ज्यादा ना हो।